आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 54,49,902 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 92,605 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,133 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 87,312 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 878 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। तो राज्य में रविवार को कोरोना के 878 मरीज मिले, जबकि 13 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब कुल मरीजों की संख्या 40,963 हो चुकी है। कोरोना संक्रमित लोगों की मौत का आंकड़ा 491 पहुँच गया है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दून में 408, हरिद्वार में 176, पौड़ी में 55, नैनीताल टिहरी में 48, उत्तरकाशी में 44, पिथौरागढ़ में 31, अल्मोड़ा में 17, चमोली में 14, हरिद्वारप्रयाग में 13, चंपावत उधम सिंह नगर में 11 और बागेश्वर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जल संस्थान 10 AEJEE की गुपचुप नियुक्तियां रद्द की गई हैं। तो जल संस्थान में 10 AEJEE की नियम विरुद्ध नियुक्तियों पर विवाद होने के बाद उपनल को इस संबंध में जारी अपना आदेश 24 घंटे के भीतर निरस्त करना पड़ा। संसद पर मर्यादा फेल, कृषि बिल पास। तो राज्यसभा में रविवार को विपक्ष के अभूतपूर्व हंगामे के बीच कृषि से जुड़े 2 अहम विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। हालांकि इस दौरान कुछ माननीयों के व्यवहारों से सदन की मर्यादा भी तार तार हो गई। शासन के सामने माइक तोड़े गए, बुक रूल फाड़ दी गई और जमकर तकरार हुई। भारतीय सेना पर LAC की 20 चोटियों पर कब्जा। तो भारतीय सेना पिछले कुछ वक्त में पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के निकट टकराव वाले क्षेत्र के आसपास 20 पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष भी संक्रमित, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना की चपेट में आ गए। स्पीकर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार का संकट और बढ़ गया है। रविवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में करीब 1 घंटा पहले ही अग्रवाल ने खुद ही इसकी जानकारी दी है। 23 से OPD का बहिष्कार करेंगे डॉक्टर, तो एक सप्ताह तक आंदोलन का ऐलान। 2 मांगों पर शासनादेश न होने से नाराज हैं PMHS संघ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जुटाया समर्थन, तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कर्मचारी ने अपनी एक सूत्रीय मांग के समर्थन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भिजवाया है। उपनल से हुई इंजीनियरों की भर्ती 1 दिन बाद ही निरस्त कर दी गई, तो उपनल के जरिए आउटसोर्स से जूनियर इंजीनियरों के और असिस्टेंट इंजीनियरों के पद पर भर्ती को 1 दिन बाद ही निरस्त कर दिया गया। निकाले गए 2 उपनल कर्मी को दोबारा मिलेगा मुकद्दर। संस्थान से निकाले गए कर्मचारियों की नए सिरे से भर्ती होगी। आज होगी शिक्षा विभाग की बैठक, तो अपर शिक्षा निदेशक SP खाली ने कहा कि गढ़वाल मंडल के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी के साथ आज ऑनलाइन बैठक होगी। सिर्फ 1 दिन का होगा विधानसभा सत्र, तो करीब 18 अध्यादेश विधेयक लाकर पास कराएगी सरकार। शून्यकाल के कार्य स्थगन के प्रस्ताव किए जाएंगे स्वीकार। तो प्रदेश का मानसून सत्र आखिरकार कोरोना की चपेट में आ गया है, अब सिर्फ 1 दिन का ही विधानसभा सत्र होगा। कोविड के वार से 1,053 प्रश्न होंगे निरुत्तर, तो अपने ही विधायकों के धारदार सवालों से बच रही है सरकार। 20 अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव, तो इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मेदांता में भर्ती। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश रविवार को स्टेट हेलीकॉप्टर से दिल्ली स्थित मेदांता के लिए रवाना हुई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेकानंद धस्मान ने बताया कि दोपहर बाद करीब 3 बजे उन्हें मेदांता के लिए भर्ती कर दिया गया। बताया गया कि सिनर्जी में उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत को देखते हुए हायर सेंटर जाने की सलाह दे दी थी। गुरुग्राम से मिली जानकारी के अनुसार मेदांता अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुशीला तिवारी कटारिया की निगरानी में इंदिरा हृदयेश का इलाज चल रहा है। प्राइवेट लैब में जांच में 10% ज़्यादा संक्रमण दर, तो सरकारी लैब की तुलना में निजी लैब में किए जा रहे कोविड टेस्ट में संक्रमण की दर 10% अधिक है। बीते 7 दिन में देहरादून जिले में कुल 10,686 सैंपल जांच किए गए हैं, इनमें 3,315 संक्रमित मिले हैं। निजी लैब में कोविड जाँच में संक्रमण की दर 36% है, जबकि सरकारी लैब में 26% है।
एम्पायर्ड अवार्ड नामांकन में उत्तराखंड 5वें स्थान पर और देश भर के शीर्ष 50 जिलों में टिहरी 8वें और चमोली 16वें स्थान पर है। तो एम्पायर अवार्ड नामांकन में उत्तराखंड देश के शीर्ष 10 स्थानों में 5वें स्थान पर है, जबकि देश भर में 50 जिलों में टिहरी, गढ़वाल 8वें और चमोली 16वें नंबर पर है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बाघ और तेंदुआ की हमले से महिला और युवक घायल। तो भीमताल ब्लॉक के ग्राम बेल मसानी निवासी ममता देवी, जो कि 40 वर्षीय थी, पत्नी हरक सिंह मटेला रविवार की सुबह गांव के करीब 20-25 महिला पुरुषों के साथ जंगल घास लेने गई थी। इस दौरान घात लगाए बाघ ने ममता देवी पर हमला कर उन्हें लघुवान कर दिया। पिथौरागढ़ में गोली मारकर प्रधान की हत्या कर दी गई है। तो खबर आई है, प्रधान के भाई की बंदूक चुराकर की वारदात। तो थल तहसील के पुराना थल क्षेत्र में माची खेत गांव में एक युवक ने ग्राम प्रधान को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारोपी युवक ने जिस बंदूक से वारदात को अंजाम दिया उसे ग्राम प्रधान के बड़े भाई के घर से चुराकर लाया गया था। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे मासूम की नहर में गिरने से मौत हो गई। तो घर के आगे टूटी नहर की दीवार के चलते पश्चिमी खेड़ा गोविंद गांव में ललित आर्य का 4 साल का बेटा सागर नहर में गिर गया। उसका शव 4 किलोमीटर दूर मिला है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो 11 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। जिले में सभी निजी लैब की होगी जांच, कमेटी गठित की जा रही है। तो पैथ काइंड प्राइवेट लैब की कोरोना वायरस के मरीजों की टेस्टिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। जिलाधिकारी ने रविवार को रात जिले की सभी प्राइवेट लैब की जाँच के लिए कमेटी बना दी है। देहरादून में कोरोना के 408 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 लोगों की देहरादून में मौत हो गई है। निजी लैब की पॉजिटिव रिपोर्ट से निगेटिव माहौल। तो कोरोना की जांच करने वाली निजी लैब की पॉजिटिव रिपोर्ट की बढ़ती दर ने प्रशासन के सामने निगेटिव माहौल पैदा कर दिया। अगर पिछले 20 दिन में सरकारी लैब के मुकाबले निजी लैब से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव की रिपोर्ट ज़्यादा आई है। पत्नी की कोरोना पॉजिटिव आने पर पति की हालत बिगड़ी। तो 14 बीघा ढालवाला में पत्नी की कोरोना पॉजिटिव आने पर पति ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वह अजीबोगरीब हरकत करने लगा। व्यक्ति की हरकतें देख उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुले में रखा कोरोना संक्रमित का शव। तो कोरोना संक्रमित एक सराफा कारीगर की मौत हो गई। जेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मैसोन ने आरोप लगाया कि शिल्पी का शव खुले में रख दिया गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद न तो कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से शव को पैक किया गया और न ही कवर किया गया। सावधान, डेंगू का डर अभी भी बरकरार है। तो खतरनाक रूप लेते हुए कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू का खतरा भी अभी खत्म नहीं हुआ है। RTO में आज से रोज बनेंगे 25 लर्निंग लाइसेंस। तो अभी तक बन रहे थे 10, हजारों आवेदन अभी लंबित हैं। मोबाइल और सिगरेट चुराने वाले धरे गए हैं। तो स्कूटी से मोबाइल और सिगरेट की डिब्बियां चुराने वाले 2 साथियों को बसंत विहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म मुकदमा। तो पटेल नगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक 1 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। 108 केंद्रों पर कल से होगी CBSE की परीक्षाएं। तो 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा कल से शुरू हो रही हैं। रात में 2 घंटे तक वाहन के नीचे फंसा रहा युवक। तो खबर है विकास नगर से, जहां पे मीनस रोड पर चांदनी पुल के पास शनिवार रात में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर ही पलट गई, जिसमें 3 लोग वाहन के नीचे फंस गए। इनमें से 2 को तो आसपास के लोगों ने निकाल लिया, जबकि 1 बाहर निकलने के लिए 2 घंटे तक जूझता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को वाहन से नीचे निकाला। कोरोना काल ने हंसते खेलते परिवार की खुशी छीन ली है। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे कोचिंग सेंटर संचालक ऋषभ गुप्ता 25 का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान मौजूद हर किसी की आंख नम थी। ऋषभ जैसे होनहार के यूं चले जाने का गम तो था ही, कोरोना की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर चिंता व आक्रोश भी दिखा।
वही खबर आई है, अटल लाभार्थियों ने नहीं भेजी आवास की फोटो, नोटिस जारी हुआ है तो समाज कल्याण विभाग की गड़बड़ी का अंदेशा, भेजने होते हैं आवास की फोटो। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बैंक के मैनेजर सहित कई पदों पर मौका, तो पीएनबी में वैकेंसी निकली हुई है, 535 पद हैं और इसके लिए आवेदन 29 सितंबर तक कर सकते हैं, तो pnbindia.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, यहीं पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं समीक्षा अधिकारी सहित कई पद रिक्त हैं, तो 73 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें जाकर कर सकते हैं। अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक रखी गई है। उच्च न्यायालय में क्लर्क के पदों पर करें अप्लाई, तो 1760 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है। बीकॉम योग्यताधारी समय पर करें आवेदन, तो 33 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना है, 29 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो यहां पर upenergy.in पर जाकर के पूरी जानकारी और फॉर्म भर सकते हैं। केदारनाथ आपदा के दौरान लापता लोगों में से 4 के कंकाल मिले हैं, तो वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान लापता हुए लोगों में से 4 लोगों के कंकाल मिल गए हैं। 5 दिन चले सर्च अभियान में आखिरी दिन रविवार को सोनप्रयाग त्रियोगी नारायण केदारनाथ ट्रैक पर गुफा और घास में मिले इन अस्थि अवशेषों से DNA जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, फिर सोनप्रयाग संगम पर विधि विधान के साथ इनकी अंत्येष्टि की गई। खराब मौसम और खड़ी चढ़ाई के बीच कंकालों की तलाश जारी थी, तो 5 दिवसीय अभियान में जुटी टीम ने बताई खोजबीन की चुनौतियां। 7 साल में मिले 703 कंकाल, तो 2013 में आई केदारनाथ आपदा ने केदार घाटी के भूगोल को बदलने के साथ ही व्यापक स्तर पर मानव जीवन को भी हाशिए पर ला दिया था। गंगोत्री पहुंची जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा, तो वो जिला मुख्यालय से प्रशासन और धाम में पुरोहितों ने किया यात्रा का स्वागत। पीपी मोड पर होगा जिला अस्पताल पौड़ी का संचालन, तो पौड़ी क्लस्टर राजकीय जिला अस्पताल पौड़ी CSC का संचालन श्री महंत इंद्रेश अस्पताल पटेल नगर पीपी मोड पर करेगा। टूटी चट्टान बद्रीनाथ हाईवे 6 घंटे तक बंद रहा, तो जिलासू पुल के पास दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। 20 दिन में ही जवाब देने लगा RCC पुल, तो स्थानीय लोगों ने उठाई पुल की गुणवत्ता की जांच की मांग, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। टीरी से खबर है, जहाँ पे पुल के अभाव में सड़क का सपना अधूरा है, तो 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा पुल का निर्माण कार्य। एता चरेख मार्ग पर आवाजाही खतरनाक है, तो दुगड्डा से खबर है, जहाँ पे ग्रामीण ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एता चरेख मोटर मार्ग खस्ता हाल में है। उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, उत्तरकाशी में 2 मरीजों ने दम तोड़ा, कोटद्वार और श्रीनगर में एक एक की सांसें थमी, तो कोरोना संक्रमित 2 बुजुर्ग समेत 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें उत्तरकाशी के एक कलेक्ट्रेट कर्मचारी और डुंगा प्रखंड निवासी एक महिला की मौत हो गई। श्रीनगर से खबर आई है, जहाँ पे पहले निगेटिव फिर मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उत्तरकाशी में बढ़ाई गई सैंपलिंग, तो जिले में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, रोजाना करीब 400 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। टिहरी में टूटा संक्रमण का रिकॉर्ड, 136 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं कोटद्वार में 12 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। चमोली जिले में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रप्रयाग में 95% संक्रमित बिना लक्षण वाले मिल रहे हैं। खबर है टिहरी से, जहाँ पे कमान गांव में गहराया पेयजल का संकट, फूटा गुस्सा, तो जल संस्थान की लचर कार्यप्रणाली से लोगों में आक्रोश है। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे नियमों के साथ खुले माँ राजराजेश्वरी मंदिर के कपाट, तो प्राचीन सिद्धपीठ माँ राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। श्रीनगर में 27.5 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए 2 युवक, तो नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्कूलों में प्रशिक्षित PRD जवानों की दी जाए नियुक्ति, तो PRD के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में प्रशिक्षित PRD जवानों को दरकिनार कर अप्रशिक्षित चहेतों को नियुक्ति देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो होटल में रुकने के लिए अब पर्यटकों को करानी होगी 2 दिन की बुकिंग। तो बढ़ते संक्रमण के कारण शनिवार देर रात शासन की ओर से अनलॉक 4 के तहत नई SOP जारी कर दी गई है। तो इस आदेश में कहा गया है कि इसके तहत कोरोना हाई लोड सिटी से आने वाले लोगों के लिए भी सीमा पर कोई रोक नहीं है। 96 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट या फिर जांच के बाद प्रवेश में आने की छूट रहेगी। पर्यटकों को अब होटलों में 2 दिन की ही बुकिंग करानी होगी। ब्रह्मकुंड पर पुरोहितों का आंदोलन आज से, तो हर की पेड़ी पर बह रही धारा को गंगा घोषित करने के लिए आंदोलन करेंगे। बॉर्डर पर मिली रियायत, गुलजार हुए गंगा घाट। तो रविवार को बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे यात्री और पर्यटक, गंगा घाटों के साथ बाजारों में भीड़ दिखी है। सड़क हादसे में सिंचाई विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। तो बैदराबाद से खबर है, जहां पे खेड़ली गांव के पास ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और इसमें पत्नी भी घायल हो गई। विधायक प्रदीप बत्रा बेटे सहित कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो विधायक प्रदीप बत्रा और उनके बेटे कोरोना संक्रमित मिले, जबकि पीरान कलियर स्थित दरगाह के 10 कर्मचारी सहित 15 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। निष्कासन के खिलाफ श्रमिकों का प्रदर्शन, तो कंपनी प्रबंधक और श्रम विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। नौकरी पर रखने की मांग की गई है। वेतन काटने पर भड़के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तो कैंडल जला करके सरकार के फैसले का विरोध किया, वेतन न काटने की मांग की है। हरिद्वार से खबर, जहाँ पे 9 और लोगों को डेंगू ने मारा डंक, तो कनखल थाने में मिले डेंगू के लार्वे को मौके पर नष्ट किया गया है। वही खबर है, शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदली के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर CCR टावर पर धरना देने आए थे। महाकुंभ के पास के फैसले के विरोध में उतरे व्यापारी, तो कुंभ को सूक्ष्म और यात्रियों के लिए ई पास की व्यवस्था करने के फैसले का प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने विरोध किया है। रविवार को उन्होंने प्रदर्शन कर मांग उठाई कि यदि कुंभ नहीं हुआ तो व्यापारी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की है, तो कांग्रेस, सेवा दल और लघु व्यापारियों ने शनिवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू करने की मांग की है। बीटेक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 6 चरणों में दिया जाएगा प्रवेश, कमेटी इसके लिए बना दी गई है। वहीं हरिद्वार में 1622 विद्यार्थियों ने पॉलिटेक्निक प्रवेश की परीक्षा दी है। हल्द्वान नैनीताल की खबरों की बात करें, तो STH दवा के साथ ही बढ़ जाता है दर्द। तो 20 वर्ष के युवा राज्य ने 8 निजाम देख लिए हैं, 2-2 दलों की सरकारें देख ली, मगर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत नहीं बदली। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल इसका उदाहरण है। कोरोना काल में STH से माननीयों के रेफर प्रकरण में एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खेल रहे मासूम की नहर में गिरने से मौत हो गई है, तो गोलापार से खबर है, जहाँ पे घर के आगे टूटी नहर की दीवार के चलते पश्चिमी खेड़ा गोविंद गांव में ललित आर का 4 साल का बेटा सागर नहर में गिर गया। उमस भरी गर्मी में 3 घंटे गुल रही बिजली, तो हल्द्वान से खबर आई है, जहाँ पे मोटर फूकने से पानी पर भी संकट बना रहा। खबर है हल्द्वान से, जहाँ पे सिलेंडर में लगी आग से 6 लोग झुलस गए हैं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे दमो वाडुंगा इलाके में दो अलग अलग जगह रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 परिवारों के 6 लोग झुलस गए, सभी को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शराब की 3 पेटियों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। मास्क नहीं पहनने पर हल्द्वानी में 924 लोग पकड़े गए हैं। वहीं खबर है, नैनीताल में जहां पर हंगामा करने पर 14 पर्यटकों का चालान किया गया, तो नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों ने शनिवार मॉल रोड रिक्शा स्टैंड पर हंगामा कर दिया। पुलिस ने हुड़दंग काटने पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। नैनीताल में जल स्रोत नहीं हो रहे रिचार्ज, तो बरसात का सीजन नहीं रहा मुस्तैद, इसका असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ेगा। निजी अस्पताल 27 से करेंगे कोरोना का इलाज, तो हल्द्वान से खबर है, जहाँ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और IMA की बैठक में निर्णय लिया गया है। वही खबर है हल्द्वान से, जहाँ पर IDBI बैंक में पॉजिटिव केस मिला, बैंक को बंद कर दिया गया है। STH में 2 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई।
खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे 3 महीने से रोडवेज कर्मियों को नहीं मिला वेतन, तो रोडवेज कर्मियों को महीनों से वेतन का इंतजार है। वेतन न मिलने से कर्मचारी की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और रविवार को नैनीताल में दिखी रौनक, तो नैनीताल में रविवार को पूरे दिन धूप खिलने से मौसम पर्यटकों के घूमने के लिए अनुकूल बना रहा। विभिन्न शहरों से पहुंचे पर्यटक ने झील में नौकायन करने के साथ ही नगर के सभी पर्यटक स्थलों में मौज मस्ती की। 35 दिन में परीक्षा फल और 100 दिन में दे डिग्री, तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं के परिणाम 35 दिन के अंदर घोषित कर दिए जाएं ताकि नया सत्र समय पर शुरू हो पाए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 400 विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक लिया है, तो असाइनमेंट के अंक नहीं मिलने पर कार्रवाई की है। मुक्तेश्वर की बेटी निर्मला आज से दिखेंगी जी टीवी पर, तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, धारावाहिक में आएंगी नजर। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो प्रधान के भाई और बेटे की हत्या का भी था इरादा, तो मुझे तो प्रधान के साथ उसके भाई और बेटे को भी मौत की नींद सुलाना था, यह खुलासा ग्राम प्रधान की हत्या आरोपी ने पुलिस पूछताछ में किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रंजीश प्रधान की हत्या करने की बात करते हुए फौज में नौकरी नहीं लगने से तनाव में रहने की बात भी कबूल की है। तो प्रधान का डांटना नागवार गुजरा तो कर दी हत्या, तो माची खेत में ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह की हत्या आरोपी नीरज ने पुलिस हिरासत में कई खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ग्राम प्रधान और उसके परिवार के सदस्यों की डांट डपट से नाराज होकर यह कदम उठाया। तेंदुआ पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, तो खबर आई है भीके सेन अल्मोड़ा से, जहाँ पे नगर पंचायत भीके सेन के गांधी नगर वार्ड के बाड़ी कोर्ट में शनिवार को तेंदुए के हमले का शिकार हुए बच्ची के शव का रविवार को अंतिम संस्कार किया। उधर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए घटना वाली जगह के पास पिंजरा लगा दिया है। तेज पेयजल लाइन निर्माण कार्य, तो कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह यांकी ने सुधारीकरण की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। खबर है धारचूला पिथौरागढ़ से, जहां पे खराब सड़क से परेशान हुए लोग, तो बीआरओ की तवाघाट सोबला 18 किलोमीटर बीआरओ की सड़क बजट नहीं होने के कारण जर्जर हालत में है। डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, तो चंपावत से खबर आई है, जहां पे लोहाघाट अस्पताल में कैंडल मार्च निकालते डॉक्टर पैरा मेडिकल कर्मचारी। कोरोना काल में भी जगाई आज, तो लोगों को हुआ खुशनुमा एहसास, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे नायल गांव में स्थापित हुई समूह की संचालित राज्य की पहली टी फैक्ट्री। अखरोट उत्पादन से होगी किसानों की आय में बढ़ोतरी, तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे उद्यान विभाग भैंसोड़ी उद्यान में तैयार कर रहा है 5,000 पौधे। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे टीबी अस्पताल 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है, तो कोरोना की रोकथाम को लेकर के बैठक हुई है। वहीं रविवार को कोरोना के 306 सैंपल लिए गए हैं। डीडी हाट में चिकित्सक और होमगार्ड कोरोना संक्रमित तहसील को सील कर दिया गया। चंपावत से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल में कल से होंगे अल्ट्रासाउंड, तो टनकपुर में वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी। टनकपुर बनबसा में पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया, तो जिले में मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में रविवार से सब राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। SSJ ग्रीन कैंपस ग्रीन कैंपस के रूप में होगा विकसित, तो पॉलिथीन उन्मूलन अभियान का कुलपति प्रोफेसर NM भंडारी ने शुभारंभ किया है। आइसोलेशन वार्ड में रहकर दी परीक्षा, तो नन्ही परिसीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित दूरी के तहत अंतिम वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कई ने छोड़ी पॉलिटेक्निक के ई और पी ग्रुप की परीक्षाएं, तो उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद की 2 दिनी पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई। बात करते हैं उधम सिंह नगरी खबरों की, तो नायब तहसीलदार के नियम के विरुद्ध कर दिया दाखिल खारिज, तो जसपुर से खबर आई, जहां पे एक ग्रामीण ने कुमाऊं आयुक्त को पत्र भेजकर नायब तहसीलदार पर नियमों के विरुद्ध दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया है। तहसीलदार काशीपुर की जांच के आरोप सही पाए गए हैं, इसके आधार पर तहसीलदार ने DM को जांच रिपोर्ट भेजी है। चीतल मारने के आरोपी को 20,000 लेकर छोड़ने का आरोप, 3 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं, तो खबर है जसपुर से।
रामपुर सीमा पर कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में लग रहा है जाम। तो रामपुर सीमा पर कोरोना जांच को लेकर के रविवार को भी सरकार के आदेश लागू नहीं हो सके। सीमा पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। काशीपुर में 14 खटीमा में 161 लोगों की जाँच की गई है। राष्ट्रीय खेल कराने से सरकार पीछे खींच रही है। तो उधमसिंह नगर में 43 करोड़ से बनना था बहुउद्देशीय हॉल और वेलोड्रम। रुद्रपुर से खबर है जहां पे कृषि क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे कॉरपोरेट दखल। तो गल्ला मंडी में बैठक पर किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति बनाई है। सितारगंज से खबर है जहां पे ड्रोन से निगरानी पर मिली युवक की लाश। तो 12 सितंबर को घर से मछली पकड़ने निकला था, तो पिछले एक सप्ताह से लापता युवक की लाश ड्रोन की मदद से गोठा जंगल में पड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़ी गली अवस्था में मिली लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे कोरोना शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो 23 से ओपीडी बहिष्कार का ऐलान किया गया है। दिनेशपुर से खबर है जहां पे ट्रक से कुचलकर पुजारी की मौत हो गई। तो मटकोटा मार्ग पर रविवार देर शाम साइकिल से घर लौट रहे जयनगर 5 मंदिर के पुजारी विक्रम सिंह पुत्र रामदास को ट्रक ने कुचल दिया। पाँच हजार 355 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने की चुनौती है। तो मिशन पोषण अभियान में 13 जिलों में प्रथम स्थान होने के बावजूद जिले में कुपोषित और अति कुपोषित 5355 बच्चों को सुपोषित करने की अभी भी चुनौती बनी हुई है। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे बच्चों को पिलाई दो बूंद की जिंदगी। तो जिले में 2,70,855 बच्चों को पिलाई जानी है पोलियो की दवा।